गुड मॉर्निंग, राम राम सारा नया। तो यहाँ पे अमन हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। और मेरे को लग रही है सुबह सुबह ठंड, तो मैंने तो यहाँ पे पहन लिया अमन की जैकेट। और अमन आज अपना अपर नहीं लेके गए, पर कोई नहीं, मेरा तो नेट इवे तक रुका नहीं है। और मैं आ गई भीतर, ई भीतर आकर बनाऊँगी चाय वाय। और ये देखो आज मम्मी और पापा भी किसी काम से जा रहे हैं, और जैसे ही मैं उठी ना तो मम्मी ने अपना पूरा काम फिनिश कर दिया, कपड़े वगैरह भी धो दिए थे। और मम्मी जा रही है अब पापा के साथ किसी काम पर, डॉक्टर के पास जा रही है, जो कि आपको पता ही है डॉक्टर 10 बार बुलाते हैं। तो मम्मी और पापा गए हुए हैं आज भी किसी काम से बाहर। अब मेरा हो चुका है घर का सारा काम फिनिश। अब बारी आई है मेरे ब्रेकफास्ट की, जो कि है पराठे और चाय, जो कि मम्मी पापा तो काम। और अब टाइम है ऑयलिंग का, क्योंकि मेरे बालों में आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम हो गया ऑयल यूज़ नहीं किया, तो जिस कारण मेरे थोड़े बाल रफ रफ से हो रखे हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे ऑयल कोकोनट का, क्योंकि एक बज चुका है और फिर वही शाम को नहाना तो सर दर्द होगा। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10-10 आधा घंटा मुश्किल से रखूँगी और फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि फिर शाम को नहाना पड़ता है ना तो वही खांसी जुकाम हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करके फिर नहा लूँगी अच्छी सी मसाज के लिए। आज मम्मी तो है नहीं, तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, अमन की फेवरेट, जो कि अमन को मेरे हाथों से ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या है, तो यहाँ मैं बना रही रोटी और यहाँ मैं लगा रही हूँ छोंक, जो कि है छोले, क्योंकि अमन को मेरे हाथों से छोले पसंद है, मतलब एक ही सब्ज़ी पसंद है वो है छोले। तो इसलिए मैंने अमन के लिए बनाए हैं छोले खाली। और अभी मम्मी आई नहीं है और यहाँ मैं कर रही हूँ रोटियों की तैयारी, क्योंकि मम्मी यार आएंगी तो थक जाएंगे और इसलिए आती खाना खा। ये लो जी, मम्मी और पापा तो अभी आए नहीं है, तो अमन आए हैं आज लेट, जो कि है 3 बज रहे हैं। और आइए चलते हैं। पापा आए सबसे पहले। क्यों? मम्मी पापा तो अभी आए नहीं है, सुबह गए थे। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, मेरे तो पहले तो और बतेरे आ रहे हैं। कहाँ मम्मी पापा तो नहीं आए? मैं अकेली हूँ सुबह से। अच्छा, हाँ। कुछ साफ सफाई नहीं करी घर की? साफ सफाई क्यों करूँ, मतलब तुम घर पे अकेला छोड़ के जाओगे तो क्या साफ सफाई? एक लड़की बेचारी अकेली क्या क्या करे। हाँ बस ये आपकी मनपसंद सब्जी बनाई आज मैंने, टेस्ट करके बताइए किसी है, बता इबे बता दे, ऊँ बता दो आप, टेस्ट करे बिना ही बता दो। नू क्यों कर बता दूँ? ऊँ बता दे यार, ऊँ बता दे। छोले बन रहे हैं। हाँ वो तो बन रहे हैं, एक क्या सब्जी तो तेरे को पसंद आती है, ऊँ ही बता दे चल वो कैसी बनी है। वही क्या, उसमें छोंक अलग से एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा ऊपर से, एक्स्ट्रा बड़ा वो एक्स्ट्रा टेस्ट, रहने दे टेस्ट करके बताइए। वो तो टेस्ट से ही पता चलेगा ना। ओके जी, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। 3:24 हो रही है। ओ माय गॉड, 3:30 हो रहे हैं, मैं भूख के मारे चक्कर खा कर पड़ने वाली हूँ। और अमर माना भाई, वैसे आज तुम लेट क्यों आए हो यार, आज तुमने बताया भी नहीं कि मैं लेट आऊँगा। गाइस ये लोग ना बताते नहीं है कि हम लेट आएंगे, बेचारा घर में एक पार रह जाए की बात देखता। मैं तो कहूँ कि अल्लाह चलो कम से कम लेट आने का ये झंझट खत्म। मां यार ये अमन ने ना मेरे को हमेशा यही बोलता है कि तू भी चल, ऐसे मत बोल ठीक है, मैंने हाँ कर रखी थी लेकिन फिर तूने कहा कि चल छोड़। अमन रहन दो। किसने कहा? आपने, मेरे पास मेरे सबूत भी है ठीक है ना। मेरे पास भी सबूत है। चलो तो यही समाप्त, 3:30 हो रही, मन लग रही है भूख, अरे हम खावे रोटी रट्टी। सिर का क्या कर लिया? कुछ नहीं, अरे थोड़ा सा दुख रहा था। क्यों? ऐसे ही थोड़ा बस दुख गया, मौसम चेंज हो गया। ये ऐसी कुछ और ही बता रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं यार। क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ऐसे ही हो गया बस नॉर्मली। अच्छा, हाँ हो जाता है कभी कभी मेरे को नॉर्मली भी। तो आज घर का काम किस टाइम खत्म करा था? घर का काम तो मैंने जल्दी फिनिश कर लिया, 8 बजे हमने 8:30 रोटी खा ली थी और 9 बजे से मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। अच्छा, और बाकी नहाए धोया? मतलब किस टाइम नहाए थे? शाम ने नहाई थी। हाँ। तो कहीं उसी की वजह से तो नहीं है सिर में दर्द? हाँ वो मैं शाम ने नहा लिया करूँ ना तो उस टाइम मेरे सिर दर्द हो जाएगा। ये चीज़ पता थी पहले से? हाँ मेरे को पता है, मेरे को सिर दर्द हो जाता है शाम को नहाने से। तो फिर ऐसे काम करने जरूरी होते हैं?
यार वो टाइम नहीं मिला मेरे को। क्यों टाइम को ऐसा क्या कर रहे थे? मतलब पहले तो एक तो 1 बजे लगाया मैंने तेल, उसके बाद मैंने सोचा चल आधे घंटे बाद नहा लूंगी, फिर मैं सब्जी बनाने लग गई, फिर मुझे उसमें टाइम लग गया, फिर मुझे लगा मम्मी आ जाएगी 2 बजे, फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर तुम आए 3:30, फिर हमने खाना वाना खाया, फिर मम्मी आई 4 बजे, 4 बजे के बाद फिर हमने मम्मी से बात करी कि के रहा कहाँ गए थे ये सब कुछ, तो उसमें फिर टाइम लग गया। फिर मेरे को वीडियो एडिट करनी थी, फिर वीडियो एडिट करी, तो फिर मैं जब जाकर 5 बजे नहाई और उससे मेरे को सर दर्द हो रहा है। तो अब क्या इरादा है? कुछ भी नहीं, बस अब थोड़ा रील राल देख लो उससे ठीक हो जाएगा। कोई दवाई? नहीं दवाई नहीं है किसी सर दर्द की, मैं दवाई नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ मैं दवाई। और शॉपिंग हो गई? ना यार मैं ना ही करवा चौथ की शॉपिंग मेरी रह रही है। क्यों क्या हुआ? परसों करवा चौथ है। तो अब क्या इरादे हैं? देखूंगी कहीं हांडूंगी फिरूंगी ये कल। कब? कल कल का दिन है, हांड लू कल भी आत्मा मार लू। वैसे तो है मेरे पास एक ड्रेस, मैं बैक एक साइड मतलब एक रखती हुई एक एक्स्ट्रा ड्रेस, तो देखते हैं तो नहीं मिली तो मैं लास्ट में वही पहनूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि मेरे को नहीं मिल जाए। यार मिल रही है तो लेने लेने का, नहीं छोड़ने का। फ्री की चीज फ्री की चीज फ्री की मतलब मेरे लिए तो फ्री है ना, मतलब हस्बैंड दिला रहे हैं तो मतलब तो ले लेने का, छोड़ने का नहीं। अच्छी बात है, इसलिए मौके पे सोच मौके पे चौका मारने का सोच देखी जाए। सोच नहीं देख रही, आपका प्यार देख रही हूँ जो आप मेरे को कपड़े दिला रहे हो। इसका मतलब हमें तो दिलाए नहीं जा रहे होते, तो इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। यार ये वुमेन का लड़कियों का होता है, मतलब शादी कुछ नाम लिखा होता है, ऐसे ही चलती आई है रीति रिवाज। अमनमान रीति रिवाज तो बहुत चीजों की चलती आई है, फिर उनको क्यों तोड़ा जाता है? हस्बैंड तो अपनी अलग से देखते है, सूट तो मम्मी जी दिला रही है ना, आप थोड़ी ना दिला रहे हो। हाँ ये भी सही है, तो आपकी तरफ से थोड़ी ना, वो तो मम्मी की तरफ से हुआ, तो सासू देती है बहू को, हस्बैंड ने नहीं दिया ना अभी, तो हस्बैंड जी क्या दे रहे हैं वो पता चल जाएगा। अच्छा है भी या फिर है भी कर रहे हो? जब पता है तो पता चल जाएगा। ओके बस कल कल और देख लूँ यार, कल भी देखूँ क्या करूँ कहाँ जाऊँ। तो आप कौन से मार्केट एक्सप्लोर करने की सोच रहे हो? देखूंगी यार है 2-4 दो तो है ही अभी मेरे पास मार्केट पेंडिंग में, जो कि देखूंगी कल लिखूंगी। क्योंकि कौन कौन सी अभी उसका नहीं पता, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रास्ते से ले जाएं। कौन से रास्ते से आई डोंट नो, अभी कुछ कह नहीं सकते उसका, क्या पता मैं कुछ और कह दूं और मैं कहीं और चली जाऊं, मेरा मुझे खुद को ही नहीं पता होता कि चलो कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा कि कहां जा रहे हो कहां नहीं। वो तो है ही, क्योंकि वीडियो बनेगी तो मान साहब तो देख ही लेंगे कि कहां घूम रही है, क्योंकि मैं तो कल फ्री हूं नहीं, आई एम टोटली बिजी टुमारो। फिर शॉपिंग कौन करवा के लाएगा? वो खुद ही जाना पड़ेगा उसके लिए आपको, मैं तो सिर्फ शाम को फ्री हूं। तो फिर कैश मतलब आप हस्बैंड हो ना, तो हस्बैंड जहाँ होता है वहाँ मेरे को कैश की जरूरत नहीं होती, तो फिर आप तो बताया तो आई एम बिजी टुमारो, तो फिर कैश दे रहे हो या फिर मतलब क्या सिस्टम है उस चीज का? आप भी चलो ना, मैं साल में एक ही दिन आता है जब हम आपको देख के खाना खाते हैं। चलो अच्छी बात है, वो खाना भी चाहिए देख के। तो फिर उसके बदले में गिफ्ट मिलना चाहिए ना, और आप हमें पूरी जिंदगी देख खाते हो हमें देख कर, हम तो कुछ नहीं देते। सोच का फर्क यार, आज आपकी ये सोच बहुत आ रही है। क्या करें, सोचना पड़ता है। सोचने पे मजबूर जो कर दिया है। और वैसे आपकी इस महीने बहुत ज्यादा जेब नहीं खाली होगी, मतलब लाइक बाइक पे भी आपने इतना खर्चा किया अपनी पे, और उसके बाद आपने नवरात्रों में भी बहुत ज्यादा खर्चा किया था, करवाया था मतलब घर का दे कितना खर्चा आया था। कितना खर्चा हो गया है बाप का, करवा चौथ पे भी कितना खर्चा हो गया, दिवाली भी अभी पेंडिंग है,
आप तो पूरे कंगाल हो जाओगे। कोई बात नहीं, थोड़ी ही जेब इधर से उधर सरका लूंगा। किसकी? जो भी आसपास दिखेगा उसकी। सावधानी बरती है। मैं इधर तो देखो कुछ है नहीं। कोई नहीं, एक मशीन रखूंगा बस अपने पास, उस पे कार्ड टच करूंगा और अमाउंट ट्रांसफर। एक्चुअली ये मेरे कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए हाल फिलहाल मैं अभी अमन के पास ही है। अमन गिव मी माय कार्ड प्लीज। कोई नहीं, अगर मेरे को मेरे मैसेज आ गए ना मेरे फोन में, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। मैसेज आए मैं उन बैंक वालों को सुनाऊंगी। अच्छे से बैंक वाले जाने कैसे, हम तो सेम टाइम डिलीट। लेकिन फोन तो मेरे पास रहेगा, आप कैसे डिलीट कर दोगे? अरे मैं मैसेज आने नहीं दूंगा, मैं वहां पे जब ट्रांजैक्शन करूंगा तो वहां पे अपना नंबर डालूंगा। नहीं वो तो मेरा डला हुआ है ना, वो कार्ड पे डला हुआ ना। हाँ। लेकिन ट्रांजैक्शन के टाइम पे कि मेरे को रिसिप्ट कहां पे चाहिए वहां पे मैं अपना डाल दूंगा। ऐसा भी कुछ होता है? आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इसका मतलब ऑडियंस को, मतलब मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को। बहुत सारी जगहों पे होता है ऐसा। देख लो गाइस, ये मेरे को पहले ही सावधान कर रहे हैं, मेरा कार्ड दे देना मन, मुझे आपकी नीत अच्छी नहीं लग रही। कोई बात नहीं, नीत तो मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही, तभी ऐसा करना पड़ रहा है। फिर आपके 15 प्रो का क्या हुआ मन? शिपिंग पे ऑर्डर कर दिया है? हाँ। झूठा? सच में? कितने दिन में आ जाएगा? नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो मंगवाया अभी आईफोन 15 प्रो, तो देखते हैं कब तक आ जाता है। वैसे तो जो शिपिंग दिखा रहे विदिन 7 डेज दिखा रहे हैं। क्या होता गाइस, अमन का मेरे को नहीं बताया आपने? अभी बता तो रहा हूँ। नहीं पहले नहीं डिस्कस किया आपने मेरे साथ की मेरी बात हुई तो थी इसके रिगार्डिंग। नहीं हुई थी, लेकिन आपने ये नहीं कहा ना कि कंफर्म कर दिया। कंफर्म शायद बाहर हो गए उस टाइम पे जब मैंने उसको प्लेस करा था ऑर्डर प्लेस। अपने वाइफ से पूछना जरूरी नहीं समझा? तो भी बताया तो जस्ट, मैं भी ऑर्डर करने के बाद कुछ जस्ट बता दूंगी फिर आपको कि मैंने। कोई इशू नहीं है, वैसे बहुत सारी चीजें होती थी। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया शॉपिंग का, क्योंकि उसका रीजन है। क्या रीजन? शॉपिंग का क्या रीजन है? मंगवाया कुछ जाता था, आता कुछ था, फिर उसको रिटर्न खेले। या वो मेरे साइज का ही नहीं मिलता बेचारा। वो कोरियर वाले होते थे, वो बिना एड्रेस के सीधा घर पे आके खड़े हो जाते थे। तो ऐसा फायदा क्या बेचारों को दुखी करने में? यार वो एक तो चलो उनको तो दुखी हो रहे, उनका तो काम है। यार मेरे को वो साइज का नहीं देते, या फिर उनका कलर फेट आता है, या फिर साइज। मेरे को ये दो ही चीज इशू होते हैं कपड़े में। चलो कोई इशू नहीं, अब तो हो गया सो गया। और अमन आप क्या चाहते हो करवा चौथ पर? चलो आप बताइए दो, हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। कुछ नहीं, बस 15 प्रो की पेमेंट कर देना। मेरे पास दो किडनी है, अगर मैं एक किडनी बेचूंगी कितने रुपए में जाएगी? बहुत मिल जाएंगे, दोनों बेच देना। फिर मैं जिंदा क्या अपने? एक मेंढक की, अरे कुल्लू की। मेंढक कितनी सी होती है? मैं तो सोच ली दो किडनी होती है। हाँ। दोनों अलग अलग चेंज करवा दूंगा। यार मतलब आप अब जिंदा भी तो रखना है ना। आप अपनी किडनी दोगे फिर फोन कौन चलाएगा? मैं अपनी दूंगा तो मैं चला लूंगा, मेरे को सख्त जरूरत है। मेरी वैसे भी इसमें मेमोरी फुल होने वाली है, थोड़े से दिन और रह रही है। शर्म तो आती नहीं है। किस चीज की? 256 में से भी 150 क्रॉस कर चुके हो। मेरी फोटो वीडियो नीडेड वो होती है, मैं क्या करूँ? मेरे को नया फोन चाहिए। एक काम करो, एक किडनी आप ले लो, एक अपने मेरे को दे दो, मतलब बेचने के लिए। तो मैं अपने किडनी से आपको दिला दूंगी, आप अपनी किडनी से मेरे को दिला देना। कोई नहीं, मैं उसकी जगह जब मैं किडनी को बेचने जाऊंगा ना तुम्हारी, तो उसमें एक काम करूंगा। क्या? उसकी जगह साथ के साथ ट्रांसप्लांट भी करवा दूंगा दूसरी किडनी। किसकी? अपनी दे रहे हो? पागल हो क्या? मेरी कैसे फिट आएगी? क्यों? ये तो मेंढक की या उल्लू की देखेंगे। अमन
सीरियसली उसी के साथ फिर आराम से कूदते फिरते रहना, रात को उल्लू वाली हरकतें होती रहेंगी फिर। वैसे कमी तो अभी भी नहीं है, अभी भी हो जाती है। कोई नहीं, कभी मेंढक वाली किडनी की वर्क करी, कभी उल्लू वाली। ज्यादा कौन सा जिएगा, उल्लू जिएगा या मेंढक जिएगा? वो पता चल जाएगा कौन सी की किडनी जल्दी खराब होती है। पेटर टर उल्लू कैसे कहता है पता नहीं, उल्लू का तो मैं कोई नहीं पता, पटर। सीरियसली चलो मजाक बहुत हुआ, किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा वो तो। कल तो वैसे भी बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह भी बहुत जल्दी रेडी होना है। क्यों, कल क्या है? कल मेरे को बहुत सारे काम और सुबह सुबह जल्दी जाना भी है। तो आप सो ना फिर, मेरे को क्यों सुला रहे हो, आप सो। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो मैं अपने टाइम पे उठ लूंगी, मेरे को अपने नहीं। कोई बात नहीं, फिर खुद ही लेट होगे। तो आप सो ना, मैं क्योंकि यहाँ से नाम ही उल्लू दे दिया, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा। ये ना कॉमन, यही है फिर वो रास्ता भटक जाओगे, ओला उबर अगर करके जाओगे तो। क्यों? आई नो, इतना तो मैं जानती हूँ वो तो जानते हो, चलो वो तो मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ से वहां तक जाने के लिए कौन सा छोटा रास्ता कौन सा बड़ा रास्ता वो तो नहीं पता। तो टाइम मायने नहीं रखता, जहाँ पे आधा कोई जाम नहीं मिलता सुबह सुबह। कोई नहीं, फिर भी ठीक है। हाँ तो देखो, तो इसलिए मैंने सिंपल वर्ड्स में एक ही बात बोली है, जल्दी उठना अच्छी बात है। तो आप सो ना, अभी आप सो, मैं तो उल्लू हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, रील देखूंगी, इंस्टा चलाऊंगी। क्योंकि उल्लू को भी शॉपिंग पे जाना होगा ना। नहीं वो तो मेंढक जाएगा ना। टर टर करता। कोई नहीं, वो तो रात को ही फिर उसको निकाल दे। किसको? मेंढक को। सुबह तक पहुंचता रहे, ऑन ड्यूटी है, मतलब सुबह कोई और ड्यूटी है, रात की किसी और की ड्यूटी है। तो आप अपना दूध पी लो, मैं आपका दूध भी आई हूँ, अरे सोने की तैयारी करो आप। सीरियसली? वैसे भी आप आज घूमने भी नहीं गए आप। मैं घूम के आया था, वैसे भी 3:30-4 बजे आया हूँ घर पे। अरे वैसे नहीं, खाना खाने के बाद। वो तो था ही। अभी देखो 11 बजे हो गए। चलो जी, हो गई हमारे मियाँ बीबी की नोक झोंक, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और राधे राधे, राम राम सभी ने।